सो अभी इस पे करते हैं अप्लाई, ये रेन प्रूफ एंटी फॉग फिल्म, ये देखिए इसके साइड से आप देख सकते हो, देखिए यहाँ से पूरा फॉग जम रहा है, ये देखिए, और इसके सेंटर में कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, जो कि मतलब वर्थ है ये प्रोडक्ट, आप देख सकते हो गाइस, ले लीजिए। सो आपको इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये ड्यूरिंग मॉनसून एक्सट्रीम वेदर अगर आपके यहाँ पे रहेगा तो आपको इसको रिकमेंड करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि आपको इसको डेली यूज़ करना है, इसको शेक करना है, शेक करने के बाद ये आपको जो जितना फिल्म दिख रहा है उसके ऊपर आपको ये लंबे से स्प्रे करना है और इसको ऐसे रखना है। एक लेबल है वो उसके ऊपर लेबल बैठेगा और बाकी नीचे आएगा, तो जो नीचे आए वो हमको साफ़ करना है ऊपर नीचे से। बाकी ये प्रोडक्ट है तो इससे अपना हेलमेट को क्लीन कर सकते हो, जिससे कि आपको इसको स्प्रे करना है, स्प्रे करने के बाद रखना है, उसके बाद वो जो डस्ट है वो डस्ट इजीली वो रिमूव हो जाएगी, उसको हमें ज़्यादा उसको घिसना नहीं पड़ता, जिससे हमारा जो वाइज़र है उस वाइज़र पे ज़्यादा स्क्रैचेस ना आए, इस वजह से ये प्रोडक्ट यूज़ करना है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू नीलेश एकदम राइट। और आज का वीडियो टाइटल और थंबनेल देख के आपको तो पता ही चला होगा कि ये वीडियो किसके बारे में। सो बेसिकली अभी हो रही है मॉनसून स्टार्ट, सो आपको पता ही होगा मुंबई की बारिश जब गिरती है तो क्या गिरती है, तो उसी के लिए हम बाइकर्स मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देखते हैं कि मॉनसून में हम कैसे खुद को सेफ रखें। राइडिंग गियर्स हुए, तो अभी हमारा मेन होता है हेलमेट। हेलमेट में अगर आप देखोगे तो आपको ना हेलमेट का जो वाइज़र है उसके ऊपर ना बार बार पानी गिरने से ना आप ना मोस्टली आगे का व्यू देखते नहीं, फिर बार बार आपको ऐसे साफ़ करना पड़ता है, या फिर अंदर आपका एंटी फॉग अगर नहीं रहेगा तो फिर आपका वो जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर से पूरा वो जम जाता है, फिर अंदर फॉगी होता है, फॉगी मतलब अंदर पूरा फॉग जम जाता है, तो यही फॉगी आगे का जो पानी जमता है उसके ऊपर एक सॉल्यूशन है, तो वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। सो ये मैंने लास्ट ईयर किया था पर कोई वीडियो बना नहीं था, ये मेरा अभी एक उसके ऊपर सॉल्यूशन वाला वीडियो है, तो ये वीडियो आप आखिर तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो इसको मैं लास्ट एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, और एक साल से मतलब जो मॉनसून का टाइम होता है 3 से 4 महीना उसमें यूज़ किया हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो मैं बोला कि चलो मैं अच्छा अगर मुझे अच्छा मिला है सॉल्यूशन तो आपको भी क्यों ना दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो बेसिकली फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हमारा ये एंटी फॉग, जो जिसका नाम है विस्ता ऑटो केयर कंपनी का ही है, जिसमें लिखा है फॉग अवे एंटी फॉग। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो है यूनिक डेमिस्टर टेक्नोलॉजी, और ये जो पूरा है बॉटल ये है 250 ml का। सो ये मुझे आया था 350 something आया था, मुझे अभी इसका प्राइस याद नहीं है, आप ज़रूर चेक कीजिए। ये देखिए, तो ये वो प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको नॉर्मली आपको यूज़ करना है, मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए सेकेंड प्रोडक्ट की बात करते हैं, आते हैं सेकेंड प्रोडक्ट पे। अपना जो हेलमेट है उसके अंदर और बाहर, अगर आप मॉनसून में राइड कर रहे हो और आपको ना मतलब बार बार बारिश मतलब गिरने के बाद बारिश जब कम हो जाती है तभी ना डस्ट उड़ती है, तो डस्ट हमारे हेलमेट के ऊपर आती है, तो हम उसको क्या करते हैं, पानी डालते हैं या फिर कोई साबुन वाला पानी यूज़ करके उसको निकालते हैं। पर अगर आपके पास मोटुल का MCKR M2 ये प्रोडक्ट है तो इससे अपना हेलमेट को क्लीन कर सकते हो, जिससे कि आपको इसको स्प्रे करना है, स्प्रे करने के बाद रखना है, उसके बाद वो जो डस्ट है वो डस्ट इजीली वो रिमूव हो जाएगी, उसको हमें ज़्यादा उसको घिसना नहीं पड़ता, जिससे हमारा जो वाइज़र है उस वाइज़र पे ज़्यादा स्क्रैचेस ना आए, इस वजह से ये प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्योंकि हमारे हेलमेट्स मोस्टली एक्सपेंसिव होते हैं, 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, 4,000 से हमारे हेलमेट स्टार्ट होते हैं, तो उस 4,000 के लिए हम 250-300 का एक प्रोडक्ट यूज़ करके क्यों ना हम उसको उसकी लाइफ बढ़ाएं। और ये मैं ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये मेरी कन्याकुमारी के राइड में मैंने लिया था और अभी तक चल रहा है, तो ये वर्क है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है ये रेन प्रूफ एंटी फॉग फिल्म, ये हमारा एक नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसमें आप देख सकते हो इसमें इसको क्या क्या मतलब इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो इजी एप्लीकेशन है, मतलब इसको इजी अप्लाई कर सकते हैं, फिर ये इको फ्रेंडली भी है, उसके बाद रेन प्रूफ है, एंटी फॉग है, और हाई ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए वो है इसके अंदर। इस साल मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ उसको। फिर इसका जो रेंज है वो वाइड है, मतलब आप यहाँ तक आपको इसका रेंज मिलेगा, आपका जो रेंज है जहाँ से आप देखते हो उस रेंज में ये आप लगा सकते हो। उसके बाद ये हाई डेफिनेशन है और सेल्फ क्लीनिंग भी है इसके अंदर, तो ये देखिए कुछ इस तरह ही है। तो पहले तो हम करेंगे इसको इंस्टॉल, और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे हेलमेट को, जैसे कि ये मेरा MT का हेलमेट है, इसको मैंने रैप किया था, ये रैप किया हुआ जो वीडियो है वो आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अभी आई बटन में लिंक आई होगी, उसको ज़रूर चेक कीजिए, मस्त रैप हुआ है। इसको AGV का स्टिकर लगा है MT को, थोड़ा सा AGV ले नहीं सकते तो स्टिकर लगा काम कर दिया मैंने। तो चलिए इसको पहले हमें इस वाइज़र को निकालना है। सो ये MT का वाइज़र थोड़ा सा ना ट्रिकी होता है निकालने के लिए, तो आपको ना ये जो पिन है, इस पिन को आप देख सकते हो, ये वाला रेड वाला पिन, इसको आपको पीछे खींचना है और फिर यहाँ से उसका जो लॉक है वो खुलता है, तो उसके बाद ये निकलता है, पर ये पिन मेरा थोड़ा जाम होने की वजह से थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ रहा है।
ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा निकल गया और इसको यहाँ से भी निकलते, देखिए यहाँ से निकल गया, अभी से भी यहाँ से निकलना है। तो हमारा ये वाइज़र निकल चुका है, सो ये देखिए ये है हमारा वाइज़र जो कि अच्छी मतलब कंडीशन में, यहाँ पे नॉर्मल माइनर स्क्रैचेस है। तो वो होता है कभी कभी जब हम राइड पे जाते हैं तो ना ये थोड़े से स्क्रैचेस मिलते हैं हमें। तो पहले ना हमें क्या करना है, इसके अंदर वो एंटी फॉग वाला लगाना है, उसके पहले हमें इसको साफ़ करना पड़ेगा। तो साफ़ करने के लिए ना हमें कुछ ऐसा क्लोथ लेना है जो ना माइक्रोफाइबर टाइप हो, जिससे आपका ये जो वाइज़र है वो सेफ रहे। सो साफ़ करने के लिए मैं ले रहा हूँ मोटुल का ये वाला प्रोडक्ट, इसको आपको ना नॉर्मली ऐसे स्प्रे करना है। देखिए इसको खोला हो तो इसको पूरा ही साफ कर लेता हूँ, और इसको आपको कुछ समय के लिए ऐसे रखना है जिससे ये इसका जो स्प्रे है वो प्रॉपरली काम करे। इसको मैं बाहर से भी करूँगा साफ, पहले अंदर वाला पार्ट करता हूँ। तो अभी देखिए इसको मैं कर रहा हूँ साफ़, और जब भी आप इसको साफ़ करोगे ना तो एक डायरेक्शन में उसको करना, जैसे कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, कभी भी इसको ऐसे गोल 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 नहीं घुमाना है, जिससे वो जो भी डस्ट है वो डस्ट ऐसा गोल गोल घूम के उधर ही रुकेगी। इससे अच्छा आप इसको ऐसा नीचे साफ़ करोगे तो वो नीचे से क्लीन होते जाएगा, एक ही डायरेक्शन में वो क्लीन होगा। इसको अभी आगे से भी साफ करता हूँ। लॉन्ग राइड पे जाते हो तो आपको ना ये सब जो स्प्रेस है आपको कैरी करने हैं, क्योंकि ना लॉन्ग राइड पे हाईवेज के ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े वो ना रात के वक्त ना मर जाते हैं। तो ना हमारे जो वाइज़र है उसके ऊपर उसका जो लिक्विड होता है, मतलब जो उनकी जो बॉडी में से जो एक लिक्विड बाहर आता है, वो लिक्विड की वजह से ना हमारा वाइज़र डस्टी हो जाता है। तो उसको हमें ऐसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये जगह भी बहुत कम लेता है। इसको लॉकिंग सिस्टम भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये लॉकिंग सिस्टम है, इसको नीचे करेंगे तो ये लॉक होता है, ऊपर करेंगे तो ये अनलॉक होता है। सो ये भी एक मेरे पास डिकैथलॉन का है, फाइबर वाला है, तो इसे भी मैं करता हूँ कभी कभी साफ एक फाइनल टच के लिए, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। और ये मात्र आपको 150 में आ जाएगा डिकैथलॉन के साइट पे भी और स्टोर में भी। तो चलिए अभी ये हो गया क्लीन, सो अभी इस पर करते हैं अप्लाई ये रेन प्रूफ एंटी फॉग फिल्म। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ से ऑप्शन है, डायरेक्टली यहाँ से इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये फिल्म है और एक देख सकते हैं जिसके ऊपर अंदर कुछ तो है, लेट्स ओपन इट। ओके, सो इसके अंदर एक क्लोथ है जो नॉर्मली हमें साफ़ करने के लिए यूज़ होगा, और ये अच्छा ये वेट टिश्यू है जिससे हम हमारा जो स्क्रीन है वो साफ़ करेंगे, उसके बाद वो जो क्लोथ है ये वाला क्लोथ है उससे साफ़ करेंगे। तो चलिए इन्होंने दिया है तो इसका भी यूज़ कर लेते, ये मोस्टली तो इसको लगा देते हैं यहाँ पर। सो ये अभी प्रॉपरली साफ़ हो चुका है, अभी करते इस पर अप्लाई। थोड़ा सा चिपक रहा था, बाहर आने से थोड़ा डर रहा था, तो मैंने इसको ऐसे निकाला है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह ही है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि प्लीज़ पील ऑफ दिस स्क्रीन मास्क बिफोर एप्लीकेशन। पहले हमें ये आगे का निकालना है। सो ये जो फर्स्ट पे लिखा था वो हमने फर्स्ट निकाला है, और फिर इसको यहाँ से, तो ये हमारा अभी लेंस लग चुका है अंदर से, देख सकते हो। सिर्फ अभी इसको देखना कि कहीं से वो लूज़ तो नहीं है, और ये लगने के बाद अभी ये ऊपर वाला जो सेकंड है वो निकालना है हमें। सो ये देखिए ये हमारा सेकंड वाला जो फ्रेम है वो भी निकल गया है। तो अभी कुछ इस तरह दिख रहा है हमारा ये एंटी फॉग वाला, आप देख सकते हो। अभी जब हम इसको राइड करेंगे तो आपको ज़्यादा इसके बारे में बताऊँगा मैं। थोड़ा सा टेढ़ा लगा है, फिर भी ठीक है, मेरा जो व्यू है उस व्यू के हिसाब से प्रॉपर ही है। इसको थोड़ा मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगा मॉइस्चर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए गाइस अभी इसको करते हैं फॉग टेस्ट, जिसके लिए हमने मतलब गर्म पानी करके रखा है, जो बेस्ट एग्जांपल है अगर आपके पास वैक्यूम का कुछ ऑप्शन नहीं है। तो ये देखिए, लेट्स सी, ये देखिए इसके साइड से आप देख सकते हो, देखिए यहाँ से पूरा फॉग जम रहा है, ये देखिए, और इसके सेंटर में कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, जो कि मतलब वर्थ है ये प्रोडक्ट, आप देख सकते हो गाइस, ले लीजिए। ये देखिए
सो गाइस ये जो एंटी फॉग, सो आपको इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आपको ना सो ये ड्यूरिंग मॉनसून एक्सट्रीम वेदर अगर आपके यहाँ पे रहेगा तो आपको इसको रिकमेंड करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आपको इसको डेली यूज़ करना है। सो जैसे कि अगर इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको आपको इसको शेक करना है। शेक करने के बाद ये आपको जो जितना फिल्म दिख रहा है अपना जो व्यू पोर्ट है उसके ऊपर आपको ये लंबे से स्प्रे करना है और इसको ऐसे रखना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा स्प्रे किया इसको। आपको नॉर्मली इसको इक्वल लेवल पे आपको स्प्रे करना होता है। तो इसको अभी स्प्रे करके ये जब ऐसा इसका जो मतलब एक लेवल है वो उसके ऊपर लेवल बैठेगा और बाकी नीचे आएगा तो जो नीचे आए वो हमको साफ करना है ऊपर नीचे से। बाकी इसके ऊपर जो भी रहेगा वो हमें क्लीन नहीं करना है। वही प्रोटेक्शन रहेगा जो उसको फॉग से बचाएगा, मतलब पानी इसको यहाँ पे रहने नहीं देगा। एक बार चेक करना प्रॉपरली अप्लाई हुआ है कि नहीं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। Thank you.